तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी इस बेसिक कंप्यूटर की अगले टॉपिक में। हमने पहले टॉपिक में आपके साथ बात किया था फाइल एंड फोल्डर एक्सप्लोर के बारे में कि फाइल एंड फोल्डर कैसे एक्सप्लोर किया जाता है। एक चीज हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अब बात कर रहे हैं हम आपके साथ एप्लीकेशंस के बारे में। हमने शुरुआत में बताया था, या दोबारा मैं बता देता हूँ कि सिस्टम के अंदर में सबसे मेन होता है विंडोज, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। विंडोज कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका विंडोज, आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, लिनक्स होता है, मैक होता है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर। तो विंडोज के अंदर एक जो विंडोज है, विंडोज के अंदर होता है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस कुछ इनबिल्ड आते हैं, कुछ हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो इनबिल्ड आने वाले एप्लीकेशंस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन इनबिल्ड आता है वो आता है नोटपैड। तो नोट पैड, अगर कुछ आपको नोट करना है, ऐसे नन फॉर्मेटिंग डेटा इसको बोलते हैं, जिसके अंदर जैसे हम टाइप कर सकते हैं, किसी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो आपने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार, इसके ऊपर मैं किसी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता, मतलब कलर नहीं कर सकते हैं, आप इसको बोल्ड नहीं कर सकते हैं, इस पर डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें जो है नन फॉर्मेटिंग डेटा, जो ऐसा आप लिखोगे वैसा ही रहेगा, इसके कुछ और नहीं कर सकते। अब नोट पैड ऐसा नहीं कि यूजलेस है, नोट पैड की मदद से हम HTML, PHP और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के सिमुलेटर टाइप करते हैं, उसकी कोड यहाँ पे टाइप करते हैं, तो आगे इसको बहुत ज़्यादा यूज दिखेगा। नोट पैड के बाद आता है पेंट, जो इनबिल्ड है आपका। पेंट के ऊपर कुछ भी आर्टिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो आप जैसे कुछ ड्रॉ करना है, कुछ बनाना है, या फिर फोटो में थोड़ा सा चेंज करना है, या फिर फोटो कौन सी कहीं से कॉपी करके आपको कुछ उसको JPG वगैरह में सेव करना है, तो पेंट पे जो काम होता है वो आपका ग्राफिकल लेके चलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें फोटोशॉप की तरह काम कर सकते, इसके लिए एक लिमिटेड वर्जन है। उसके बाद जो आता है वर्ड पैड, एमएस वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ड पैड की। तो दूसरा एप्लीकेशन वर्ड पैड आता है। तो वर्ड पैड नोट पैड की जैसा ही होता है, इसमें आप कुछ चीज़ें डाल सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन इसमें आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। फॉर्मेटिंग मतलब कि मान लीजिए मुझे इसकी कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसकी टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से इसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, तो कलर वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसमें नोट पैड से हमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अपेक्षा बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद इसमें आपको मेलिंग के लिए मिलता है, इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है, जहां पे हम इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, कोई भी इनबिल्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हालांकि हम इसके जगह पे क्रोम और मोजिला जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो कि इससे ज्यादा फेमुलर है और ईजी है यूज करना। उसके बाद इसमें जो होता है, आपके पास फोल्डर्स हैं, आप फोल्डर्स यूज कर ही सकते हैं। तो एप्लीकेशन मतलब हुआ जिस पे हम कुछ काम करें, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम तो कर ही नहीं सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें कंप्यूटर खोल के दे दिया, अब इसके अंदर हम जैसे कि आप एक कमरा आपने बना लिया, अब सिर्फ खाली कमरा में आप रह तो नहीं सकते ना, आपको रहने के लिए बिस्तर चाहिए, बनाने के लिए खाना बनाने के लिए किचन के साथ आपके किचन से सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उसी तरह से कंप्यूटर में आप अपने काम के हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। तो कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे? आप अकाउंटिंग है तो आप टैली इस्तेमाल इंस्टॉल करेंगे, आप अपना आप बैकएंड का काम करते हैं तो एमएस ऑफिस इंक्लूड इंपोर्ट करेंगे। ऐसी डिफरेंट डिफरेंस काम के हिसाब से हम अपना सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करेंगे। अब सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, हम बात करेंगे आज आपके साथ कंट्रोल पैनल की। कंट्रोल पैनल मतलब कि आपने विंडोज तो इंस्टॉल कर लिया, आपने एप्लीकेशन भी रन कर रहे हैं, तो आप अपना सिस्टम को मैनेज कैसे करेंगे, अपने कंप्यूटर को मैनेज कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर में जैसे ये जो आपका होता है टास्क बार, तो इसके टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक अगर आप करते हैं यहां पे, तो इसकी सेटिंग खुल के आती है। तो टास्क बार में क्या क्या चाहिए आप यहां से अनेबल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, हर विंडो में इसका अपना अलग अलग
विजुलेशन होता है, लेकिन ऑप्शंस में सेम ही होते हैं। अब यहाँ पे आपके टाइम है, अब टाइम की सेटिंग चेंज करना है तो आप यहाँ पे टाइम की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, कैलेंडर हटाना हटा सकते हैं, लेकिन ये चीजें तो आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल पैनल में सबका सेटिंग होता है। तो क्या क्या होता है टास्क बार में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ स्टार्ट मेनू, अभी स्टार्ट मेनू मेरा यहाँ दिख रहा है बट आप लोगों को हो सकता है यहाँ पे दिखे। क्यों? क्योंकि मेरा विंडो 11 लेटेस्ट वर्जन है, विंडो 11 में मैंने सेंटर में सब कुछ डाल दिया है। और ये जो नीचे दिख रहा है ओपन, हमारे ओपन जितने भी फाइल एप्लीकेशन, जैसे मैंने OBS ओपन कर रखा है, MS Access ओपन कर रहा है, तो यहाँ पे नीचे दिखाता है। अब मैंने बंद कर दिया तो यहाँ से हट गया। तो इसमें दो तरह के आइकन्स होते हैं, पहला जो ओपन है, दूसरा जो पिन है। अब पिन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आपको बहुत ज्यादा यूज करना होता है तो उसको आप यहां पे पिन कर सकते हैं, यहां पे उसको पिन कर सकते हैं। उसके अलावा यहां जो आपको दिखता है नोटिफिकेशन, जैसे आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है ऐसा आपके पीसी में भी नोटिफिकेशन आता है। तो पीसी को कोई ऐसा थ्रेड दिखता है या वायरस दिखता है, कुछ चेंजिंग दिखता है, अपडेट दिखता है, तो यहां पे आपको अपडेट करता है नोटिफिकेशन से। और सेटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन की सेटिंग को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टाइम और डेट आप यहां देख ही रहे हैं। उसके बाद ये जो दिखता है आपका स्पीकर का दिखता है, अगर मान लो किसी ने आपका वॉइस यहां से बंद कर दिया तो क्लिक करते आपका स्पीकर आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे स्पीकर में अपने हिसाब से चेंजिंग करने हैं तो क्या करेंगे, स्पीकर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां ओपन साउंड सेटिंग दिख रहा है, ओपन साउंड सेटिंग में हम क्लिक करेंगे तो यह सेटिंग में आके साउंड दे, जहां से हम अपने ड्राइवर, अब ड्राइवर क्या होता है, जैसे कि आपके अंदर जितने भी हार्डवेयर लग रहे हैं, हार्डवेयर को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करे, उसको हम लोग ड्राइवर कहते हैं। जो कोडिंग होती है जो बताता है कि ये साउंड ड्राइवर है, साउंड का हार्डवेयर है, साउंड का डिवाइस है, ये पेन ड्राइव का डिवाइस है, DVD का डिवाइस है, या ये आपको फलाना डिवाइस है, वो ड्राइवर के जरिए होता है। तो जितने भी साउंड के आपके साउंड के, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना अगर हेडफोन लगा दूं या ब्लूटूथ लगा दूं तो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो दो चीजें यहाँ पे, आउटपुट एंड इनपुट, साउंड में आउटपुट है और इनपुट है। तो आउटपुट मतलब कि आपके स्पीकर और इनपुट मतलब आपका हेडफोन। यहां से अपना वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहां जैसे मैं बोल रहा हूं देखिए यहां पे मेरा साउंड का मीटर चल रहा है। तो यहां पे मैनेज साउंड डिवाइस पे जाएंगे तो आप यहां से अपना माइक्रोसॉफ्ट वॉल्यूम को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, भाई मुझे माइक्रो नहीं चलाना है, चाहे हेडफोन नहीं चलाना है, ये चीजें यहां से डिसेबल अनेबल कर सकते हैं साउंड। हालांकि इसकी सेटिंग को छेड़छाड़ मत कीजिएगा वरना आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो साउंड के सेटिंग के बाद हम बात करते हैं यहाँ वाईफाई की। इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी कनेक्टेड आपकी वाईफाई है वो यहाँ आपको दिख जाएंगे। वाईफाई को ऑफ करना है, जैसे आप सिंपल ऑफ करते हैं ना वैसे यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो वाईफाई ऑफ हो जाएगा आपका, और क्लिक करते ऑन हो जाएगा। जैसे आपके मोबाइल में होता है एयरप्लेन मोड, ऐसे यहाँ एयरप्लेन मोड भी कर सकते हैं। और जैसे यहाँ देखिए मोबाइल हॉटस्पॉट, आप कंप्यूटर को हॉटस्पॉट बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए लेन केबल होना चाहिए। लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, तार जो लगी रहती है आपके लैपटॉप में मोडम से निकला हुआ, वो तार अगर लगा हुआ है तो इसको आप हॉटस्पॉट बना सकते हो। अब लोग इसमें वाईफाई भी क्यों नहीं बना सकता, आप अपने मोबाइल पे भी अगर वाईफाई ऑन करते हो, आप किसी और का वाईफाई चला रहे हो, तो आप अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ओपन नहीं कर सकते। जैसे हॉटस्पॉट पर करेंगे आपका वाईफाई बंद हो जाएगा, क्योंकि हॉटस्पॉट जो होता है आपके मोबाइल डेटा पे होता है, न कि वाईफाई पे होता है। सेम यहां भी अगर मैं मोबाइल हॉटस्पॉट ओपन करूंगा तो क्या होगा, मेरा वाईफाई ऑफ हो जाएगा। तो कंप्यूटर को भी आप अपना हॉटस्पॉट बना सकते। ओके उसके बाद यहां आपका बैटरी का होता है कि आपका बैटरी का, अब इसमें एक चीज होता है वाईफाई में, हम यहां पे राइट क्लिक करके इसकी ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट शेयरिंग पे हम चले जाते हैं, जहां पे हमें बताता है कि हमारा इंटरनेट क्या है, कितना GB हम ले चुके हैं, यूज कर चुके हैं लास्ट दिन में, उसका पूरा यहां दिखाता है, और कितने कितने हमने यहां पे होम ग्रुप यूज कर रखे हैंडल किए हुए हैं।
इसके बाद इसी में अगर आप यहाँ अपना आईपी एड्रेस लिखना है तो अपना आईपी एड्रेस यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट पोर्टल उसको बोलते हैं। तो आईपी एड्रेस क्या होता है कि आपने जिससे इंटरनेट खरीद लिया हुआ है, जो आपको प्रोवाइडर दिया हुआ है, तो वर्ल्ड पे आपका एक नंबर जनरेट हुआ आपके इस कंप्यूटर का। अगर आप अपने कंप्यूटर से किसी तरह का अनएथिकल काम करते हो, जैसे अगर आपने अगर कोई हैकिंग वगैरह किया, तो इस आईपी एड्रेस से आपके लोकेशन तक वो पहुंच सकता है। इस आईपी एड्रेस से पता करेगा कि आईपी एड्रेस किस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड किया है, फिर उस प्रोवाइडर को बोलेगा कि इस आईपी एड्रेस का हमें लोकेशन आए दो, डेटा दो। तो इस आईपी एड्रेस का मालिक कौन है, उसका क्या आधार कार्ड वोटर आई कार्ड क्या जमा है, वो देखिए वो आप तक पहुंच सकता है। ये आपका आईपी एड्रेस होता है। तो अपना आईपी एड्रेस भी चेक कर सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे स्टेटस होता है कि आपके इंटरनेट का क्या स्टेटस है, वाईफाई का क्या स्टेटस है, एथरनेट। अब वाईफाई समझ के, वाईफाई एथरनेट क्या होता है, जो आप तार यूज करते हो ना, तार लगा के इंटरनेट यूज करते हो, पीला कलर को उजला करके तार होता है, वो एथरनेट कहलाता है। R40 पॉइंट होता है जिसको घुसाते हैं, और होता है डायलप जो होता है, एक डायलप इंटरनेट भी होता है, एक VPN इंटरनेट भी होता है, वो भी यूज किया कर सकते हैं। और प्रॉक्सी, अब प्रॉक्सी क्या होता है पता है आपको सर, प्रॉक्सी होता है कि आप यहाँ पे प्रॉक्सी को ऑन करके यहाँ पे स्क्रिप्ट एड्रेस दे सकते हो कि आप बोलना चाहते हो कि फलाना वेबसाइट ना चले, तो प्रॉक्सी में आपने फलाना वेबसाइट को डाल दिया तो वेबसाइट वो चलेगा ही। तो प्रॉक्सी में जो जो वेबसाइट आप डालेंगे वही आपका एक्सेप्टेबल होगा, बाकी भी वेबसाइट चलेगा नहीं। ये प्रॉक्सी कंपनी वगैरह में होता है कि कंपनी का डोमेन ही चले, बाकी कोई चीजें इंटरनेट से ना चले, तो प्रॉक्सी की सेटिंग की जाती है वहां पे। उसके बाद बैटरी, बैटरी पर आते हैं, जहाँ से अपना बैटरी का परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हैं। अगर लैपटॉप आपका है तो बैटरी सेटिंग में जाके आप बैटरी कम खाए, उसकी विजुलाइजेशन कम हो, ये चीज़ें आप बैटरी पे कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे टर्न बैटरी सेवर, बैटरी सेवर क्या होता है, आपके मोबाइल में भी होता है, जब बैटरी आपका एक परसेंटेज से नीचे आता है तो मोबाइल ऑटोमेटिक आपका ऑफ हो जाता है, या उसका ब्राइटनेस कम जाता है, रिंगटोन जो है उसका आपका रिंगटोन होता है वो आपका इस पे मीटिंग मोड में या फिर आपका साइलेंट मोड में चला जाता है, मतलब वो सारी चीजें बंद कर देता है जिससे बैटरी खपत होती है ज्यादा, सिर्फ फोन को ऑन रखता है। तो यहाँ भी आप अपना सेटिंग सेवर ऑन कर सकते हैं, तो ये पावर कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ माइक है आपका, माइक की सेटिंग है, माइक्रोफोन की सेटिंग है, तो आपने साउंड सेटिंग में किया तो अब इस माइक्रोफोन की सेटिंग में ही में, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन एप्लीकेशन में आपका माइक परमिशन दिया हुआ है, जैसे कैमरा है, माइक है, मैं माइक कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो जिस पे ब्लू कलर है ऑन दिख रहा है ये सब जगहों पे माइक यूज हो सकता है। अब बोलेंगे फिर इसका क्या है, क्यों इसको देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं और आपके इंटरनेट कनेक्ट होता है तो आपकी जासूसी वगैरह करने के लिए, कि आपके आपकी माइक्रोफोन के जरिए आपकी बातचीत सुना जा सके, हैकिंग जो हैकिंग करने वाले होते हैं ऐसा कर देते हैं। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं जो आपके आपके जो ज्ञान नॉलेज में नहीं है और वो आपका माइक्रोफोन और कैमरा यूज कर रहा है, वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जब इस पर क्लिक करते हैं तो और भी बहुत सारे ओपन ये आपके टास्क बार में आते हैं, जैसे जूम मेरा ओपन है, जूम यहाँ दिख रहा है, मेरा जो ये इंटरनेट ये डाउनलोड मैनेजर है मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो जो जो एप्लीकेशन रनिंग में होंगे वो यहाँ आपको दिखाएंगे, जो भी रनिंग में है आपका ब्लूटूथ ओपन है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ देखना जरूरी इसलिए होता है कि आपको लग रहा है कि आपका सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि आपका क्या क्या ओपन है, सिंपली चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप आसानी से उसको बंद कर दीजिए ताकि आपका सिस्टम कम चले। तो ये हमारे टास्क बार, ये इसकी सेटिंग हो गई, टास्क बार की सेटिंग हो गई। तो यहाँ से हम टास्क बार की अपने हिसाब से हम चेंज करते हैं और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो टास्क बार पे हमारा यहाँ पे ये पूरा का पूरा टास्क बार का रहता। अब टास्क बार में जो होते हैं बैक, सिर्फ टास्क बार का ही नहीं होती, इसमें पूरा होता है, जैसे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब कि आपका एक्सेल का पीछे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, जो मेरा यहाँ दिख रहा है ना बैकग्राउंड,
इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई फोटो ले लीजिए या कोई स्लाइड शॉट ले लीजिए या कलर ले लीजिए, यहाँ से अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। कलर पे आते हैं तो आप जो है यहाँ अपना डिफॉल्ट कलर वगैरह चूज कर सकते हैं कि आपका डिफॉल्ट, जैसे यहाँ पर देख रहे ब्लू दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कि जब हम कुछ ऑन करते हैं तो ये सब ब्लू ब्लू आपको दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पे लॉक स्क्रीन हुआ इसलिए कि जब आप कंप्यूटर यूज ना कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने अपने डेस्कटॉप से उठ के चला गया, तो एक टाइम पे आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ये फैसिलिटी इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए अपना आपने अपना नेट बैंकिंग खोल के बैठा हुआ है, आपको आपको अचानक कॉल आ गया, आपका नेटवर्क यहाँ नहीं मिल रहा है, आपने बाहर निकल गए और आप बात करते करते भूल गए कि आपका कंप्यूटर ऑन है और कंप्यूटर में आपका नेटवर्किंग ऑन है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन आएगा उसकी नियत खराब होगी तो आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता, एक्टिव एक्सेस ना करे तो इतना पता लगा ही सकता कि आपका अकाउंट नंबर क्या और कितने पैसे है। तो ये एक टाइम में आपकी सिस्टम को जो यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कितना मिनट कितना वगैरह में आपका फाइल आपका जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए और लॉक स्क्रीन पे इस तरह का दिखे, जो इमेज दिख रहा है लॉक स्क्रीन पे ऐसा दिखता है। अब लॉक स्क्रीन के हिसाब से अपना यहाँ पिक्चर को आपका खुद का कोई पिक्चर है वो शो करना चाहते हैं या कोई स्लाइड शो है उसको शो करना चाहते हैं, आप यहाँ सेट कर सकते कि लॉक होने पे आपका सिस्टम क्या देंगे। कंपनीज में यहाँ पे कंपनी का लोगो वगैरह होता है वो पिक्चर में जाके आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्विक ऐप जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि क्विकली क्या क्या ऐप यूज हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना क्विकली। उसके बाद स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग है, जैसे बताया था एक पर्टिकुलर 10 मिनट मेरा टाइम है, आपको लगता है कि 10 मिनट काफी ज्यादा टाइम है कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद होने का, तो यहाँ से अपना 10 मिनट का चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं, एक होता है यहाँ पे ऑन बैटरी पावर ऑन प्लग आउट। अब मेरा सिस्टम में क्या है कि जब वो मेरा सिस्टम अगर प्लग है मतलब कि पावर से लगा हुआ है, इसमें बिजली दिया हुआ है, तो ये कभी लॉग आउट नहीं होगा, मैं कभी लॉक नहीं, सिर्फ जब इस हमारा जब बैटरी पे होगा तो 10 मिनट में लॉक हो जाएगा और ये 10 मिनट को आप 1 मिनट या 5 मिनट या 4 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्लीप, एक तो हुआ कि आपके स्क्रीन लॉक हो जाएगा, एक तो होता है आपका स्क्रीन लॉक होना, दूसरा होता है स्लीप, मतलब कि कंप्यूटर स्लीप मोड में चल जाना। आप बोलेंगे सर स्लीप मोड में चला गया और बंद हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? तो स्लीप अगर आप शट डाउन करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो एक आपका ये है पीसी है वो ऑफ हो जाता है, हर एक फाइल हर एक सॉफ्टवेयर हर एक सेटिंग जो आपकी खुली है सब बंद हो जाती है। जब दोबारा ओपन करेंगे तो आपको बिल्कुल डेस्कटॉप दिखेगा, कोई भी फाइल ओपन किया हुआ नहीं दिखेगा। बट होता क्या है कि अभी हमने एक फाइल ओपन किया और उस पर हम कुछ काम कर रहे हैं, अब मुझे 5-3-4 घंटे के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो उस समय अगर कंप्यूटर ऑफ करके जाओगे तो फिर आपको उस फाइल को उस काम को सेव करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि सेव नहीं किए जा सकते, जैसे मान लीजिए इंटरनेट से आप कुछ चीजें देख रहे थे, आपके पास 500 का लिस्ट था 150 पे पहुंच गए थे, अब उसको सेव थोड़ी करोगे लिस्ट देख रहे थे, तो उसको अगर आप स्लीप मोड में डाल देते हो तो स्लीप मोड में आपका जब पीसी ऑन होता है तो आपका पीसी वहीं से ऑन होगा जहां से जितना आप जो पोजीशन पर आपने पीसी को स्लीप किया था। और इसका भी सेटिंग हम यहां से चेंज कर सकते हैं कि मेरा पीसी कब स्लीप मोड में जाए। लॉक स्क्रीन था थीम, अपने विंडोज की थीम बदल सकते कि क्या थीम हो सकता है। थीम के बाद इसमें आता है फॉन्ट, आपका फॉन्ट किस तरह का होना चाहिए, कहीं पे टाइप करें तो डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होना चाहिए, हालांकि ये चेंज करने वाली बात नहीं होती है। अब बात करते हैं स्टार्ट, अब स्टार्ट जो है आपका स्टार्ट में क्या क्या होना चाहिए, तो स्टार्ट में जैसे कि आप रिसेंटली एडेड ऐप जैसे स्टार्टअप करते हैं तो यहां आपको दिख रहा है ना कि जो ऐप रिसेंटली यूजेज ऐप जो यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे रिकमेंड करेगा कि आपने अभी थोड़ा देर पहले कौन कौन फाइल खोले, तो ये चीज़ आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो मस्ट यूज्ड ऐप,
मतलब कि जो मैंने ऐप यूज किया वो शो करो, नहीं हम यहाँ पे दिया हुआ कि जब रिसेंटली होता है वो हमें खुले। और ये आपका होता है कि आपको क्या क्या चाहिए, फाइल ऑप्शन चाहिए, सेटिंग चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब कि आपको चूज द विच फोल्डर अपीयर द स्टार्ट, स्टार्ट में क्या क्या आना चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद हम टास्क बार में आते हैं, तो टास्क बार में वही है आपको क्या क्या शो करवाना है, क्या क्या शो नहीं करवाना है, आप यहां से यूज कर सकते हो। यहाँ पे पिनिंग ऐप तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐप टास्क बार, कि टास्क बार में कौन कौन से ऐप आप पिन कर सकते हो, वो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, चेक कर सकते हो हेल्प है आपका है। यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहो कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद डिवाइस यूजेज, कि आप कौन कौन से डिवाइस यूज कर रहे हो वो इसका या यूज कर, इसका भी कोई खास बेनिफिट नहीं है। तो आज की क्लास में हमने आपके साथ स्टार्ट मेनू और टास्क बार की जो सेटिंग है उस सेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। आप उसकी प्रैक्टिस कर लें और जिस सेटिंग को आप चेंज करते हैं वापस आपको ठीक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने गलती से कोई सेटिंग ऐसा चेंज कर दिया जिससे प्रॉब्लम हो सकती है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब भी सेटिंग चेंज करते समय आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप क्या सेटिंग चेंज कर रहे हैं। कल की क्लास में हम आपको बात करेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में, कि कंट्रोल पैनल के अंदर दी गई सेटिंग को हम कैसे चेंज करेंगे। ओके okay?